नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम देखा जाए तो GTL में दोस्तों आज जो है फिर से गिरावट का जो संकेत है वो देखने को मिला है। अब कमेंट से देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में जिस प्रकार की गिरावट नजर आ रही, तो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, क्या क्वार्टर टू के रिजल्ट में भी इसी प्रकार की गिरावट नजर आएगी, और हम लोग को क्या हम अभी के टाइम फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ अभी के टाइम चार्ट संकेत क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर ही बताया था कि मार्केट में बम्प और डंप अच्छे खासे देखने को तो नजर आएगा, और ऑपरेटर्स का जो गेम है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को नजर आएगा। आज फिर मार्केट में देखने को नजर आया, पर अभी टाइम पॉजिटिव संकेत काफी बड़ा देखने को मिल रहा है ऑलरेडी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आज आप ओपनिंग की अगर बात की जाए तो ओपनिंग 1 रुपये के साथ नजर आई थी, 90 पैसे तक मार्केट गिरा, पर क्लोजिंग की बात की जाए तो 95 पैसे पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जो पिछले टाइम में सेम क्लोजिंग नजर आई थी। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों लास्ट पिछली 500 ट्रेड नजर आने वाली है, उसमें देखा जाए तो 9.5% की रिटर्न्स पर बड़ी जो गिरावट है वो ऑलरेडी मार्केट में नजर आ रही है। अब देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में लास्ट 1 महीने से भी गिरावट यहाँ पे देखने को नजर आई है, पर देखा जाए तो दोस्तों जो कीमत थी वो 1.10 रुपये से अगर देखा जाए तो सीधे सीधे 95 पैसे तक नजर आई, फिर वापस यहाँ पे जंप हुआ, पर वापस अगर यहाँ पे देखा जाए तो बम्प और डंप का जो खेल है वर्तमान में काफी अच्छा चल रहा है। पर इसके पीछे अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में जो गिरावट की बड़ी जो वजह आ रही है, दोस्तों ओपनिंग के वक्त तेजी अच्छी खासी नजर आई थी, 1 रुपये तक मार्केट अगर यहाँ पे आज देखने को नजर आया था तो बाइंग ऑर्डर काफी अच्छा लगा था। पर अभी टाइम देखा जाए दोस्तों इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो उस पर भी बड़ी जो गिरावट है वो यहाँ पे आज देखने को नजर आई है। तो इसके पीछे की बड़ी जो गिरावट की वजह है वो यहाँ पे इजराइल हमास वॉर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने कि दोस्तों आप लोग को पहले ही बताया था, एक्सपर्ट की जो राय थी वो भी यही देखने को मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो US मार्केट है, जी हाँ दोस्तों US मार्केट पर जो है बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नजर आ रही है, और मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर US मार्केट पर गिरावट नजर आ रही है तो अगले दिनों दोस्तों आप लोग को जो है वो आप लोग को इंडियन मार्केट पर नजर आ जाएगी। पर यहाँ पे तो देखा जाए तो दोस्तों US मार्केट लगातार 10 से 15 रोज से यहाँ पे गिरावट पर देखने को मिल रहा है, और 5 से 7 ट्रेड अगर देखा जाए तो दोस्तों इंडियन मार्केट पर भी वही हाल देखने को नजर आ रहा है। तो अभी के टाइम दोस्तों जो है सबसे बड़ी जो है पैनिक होने की आवश्यकता है नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी टाइम हम पैनिक होकर मार्केट में अगर सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं तो दोस्तों वापस मार्केट जो रिकवर होगा, वापस अगर जंप अगर देखने को मिलने वाला है तो उसमें लॉस फिर से हम लोग को हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा तो आज लॉस में हमने सेल कर दिया है, और अगर नेक्स्ट ट्रेड पर दोस्तों मार्केट में अगर अच्छा खासा जंप अगर देखने को मिलता है, ऑलरेडी दोस्तों मार्केट तो अच्छा खासा रिकवर होगा, हम लोग को इस बात का तो पता है। क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट में लगातार गिरावट तो यहाँ पर चलने वाली है, इसराइल हमास वॉर जो है वो कभी ना कभी तो थमने वाला है, और उसमें जो मार्केट है वापस यहाँ पर रिकवर होगा। पर अभी टाइम जितना हो सके हम लोग को दोस्तों पैनिक होने की आवश्यकता है नहीं, और जितना हो सके होल्ड यहाँ पे रखने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों अगर पैनिक होकर हम सेल करते हैं तो लॉस का सामना 100% करना पड़ेगा, और वही प्राइस पर दोस्तों बड़ा प्रॉफिट आप लोग को आगे चलकर देखने को मिल जाएगा। भले दोस्तों आप फ्रेश एंट्री ले आना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर जितना है दोस्तों उस चीज़ को भी अगर हम होल्ड रखने हैं तो सबसे पहले हम लोग को जो है लॉस, तो पिछले टाइम का जो लॉस रिकवर करना है, जो 1.45 रुपये वाले प्राइस पर काफ़ी बड़ी होल्डिंग भी कमेंट्स पर देखने को नजर आई थी। बता अगर देखा जाए जो 2021 के प्राइस की अगर बात की जाए तो उस प्राइस पर अगर देखा जाए तो मार्केट दोस्तों 3.60 रुपये तक भी अगर देखा जाए तो होल्डिंग काफ़ी बड़ी बनी हुई है, तो उस पर भी काफ़ी बड़ी जो कमेंट थे वो यहाँ से देखने को नजर आई। पर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि फिलहाल अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं। रही बात दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की, तो उससे पहले बता दो दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। अब दोस्तों अगर आज का कारोबार सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों 2,94,01,909 शेयर का आज के इंट्राडे पर कारोबार देखने को मिला है। पर दोस्तों अभी के टाइम देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की तरफ से दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को लेकर कोई भी जो अपडेट है वो यहाँ पे देखने को नजर नहीं आ रही। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट टाइम जो यहाँ पे 6 अक्टूबर को अपडेट यहाँ पे निकल के आई थी, उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से कोई बड़ी अपडेट यहाँ पे नजर नहीं आई। अब देखा जाए तो लगातार उतार चढ़ाव मार्केट में यहाँ पे बना हुआ है। पर मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों कंपनी का जो डेटा है, जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों कंपनी का जो डेटा है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है, और साथ मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मार्केट में फ्रेश एंट्री ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर भी ले रहे हैं, और 9,87,926 शेयर आज के मार्केट पर फ्रेश एंट्री दोस्तों ली गई है। तो इसका मतलब कारोबार दोस्तों अगर अच्छा खासा देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों मार्केट कैप में बड़ी गिरावट ऑलरेडी देखने को नजर आई है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले टाइम जो मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहा था वो 1,220 करोड़ का यहाँ पे देखने को नजर आया था, और आज देखा जाए तो 1,216 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कैप पर बड़ी गिरावट देखने को भले ही मिली हो, पर डिलीवरी अगर बात की जाए तो 53.51% की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली है, और निफ्टी 50 दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि गिरावट किस प्रकार देखने को मिली है, 261 अंकों के आसपास की आज जो बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ
कल ऑलरेडी मार्केट बंद रहने वाला है, और जब नेक्स्ट ट्रेड पर मार्केट ओपन होगा तो दोस्तों अभी टाइम जो है आप लोग को तेजी आप लोग को नजर आने सकती है, क्योंकि जो है बम्प और डंप का जो खेल है वो तो देखने को मिलेगा ही, पर मार्केट में जिस प्रकार बड़ी बाइंग ऑर्डर लगी है तो जीटीएल पर तेजी 100% बनने वाली है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।